बुधवार सुबह चम्बा के बालू पुल के पास एक व्यक्ति द्वारा छलांग लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें चम्बा के धड़ो के 65 वर्षीय व्यक्ति ने सुबह के लगभग 11 बजे बालू पुल से छलांग लगा ली। उक्त व्यक्ति ने बालू पुल से छलांग लगाने से पहले अपनी चप्पल उतारी और उसमें उनके पास पड़े हुए 80 रुपए रखे और उसके बाद उसने बालू पुल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उक्त व्यक्ति की रावी में तलाश शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे सुल्तानपुर चौकी से पुलिसकर्मी कुलदीप सिंह ने बताया कि यह 65 वर्षीय व्यक्ति मोहल्ला धड़ो का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना परिवार वालों को दे दी गई है और उक्त व्यक्ति की रावी नदी में तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति ने बालूपुर से छलांग लगा दी है, जिसकी उम्र 65 साल है, नाम प्रकाश चंद, मोहल्ला धड़ो का बताया है, इसकी तलाश की जा रही है। सही है। करीब 11 बजे मिली, फिर बालूपुर से तलाश करते करते अभी हम उदयपुर की तरफ जा रहे हैं। सर, ऐसा सुनने में आया कि कुछ सामान भी वो अपना बालूपुल पर छोड़ गया है। अपनी एक चप्पल और कुछ 80 रुपए के करीब 10-10 के नोट थे, वो वहीं रख गया था चप्पल। सर, छलांग लगाने के कारण का कुछ पता चला नहीं इसके बारे में? क्या उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया? जी, उसके बेटा आ गया था मौका पे, उसको पता है। बुधवार सुबह चम्बा के बालू पुल के पास एक व्यक्ति द्वारा छलांग लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें चम्बा के धड़ो के 65 वर्षीय व्यक्ति ने सुबह के लगभग 11 बजे बालू पुल से छलांग लगा ली। उक्त व्यक्ति ने बालू पुल से छलांग लगाने से पहले अपनी चप्पल उतारी और उसमें उनके पास पड़े हुए 80 रुपए रखे और उसके बाद उसने बालू पुल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उक्त व्यक्ति की रावी में तलाश शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे सुल्तानपुर चौकी से पुलिसकर्मी कुलदीप सिंह ने बताया कि यह 65 वर्षीय व्यक्ति मोहल्ला धड़ो का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना परिवार वालों को दे दी गई है और उक्त व्यक्ति की रावी नदी में तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति ने बालूपुर से छलांग लगा दी है, जिसकी उम्र 65 साल है, नाम प्रकाश चंद, मोहल्ला धड़ो का बताया है, इसकी तलाश की जा रही है। सही है। करीब 11 बजे मिली, फिर बालूपुर से तलाश करते करते अभी हम उदयपुर की तरफ जा रहे हैं। सर, ऐसा सुनने में आया कि कुछ सामान भी वो अपना बालूपुल पर छोड़ गया है। अपनी एक चप्पल और कुछ 80 रुपए के करीब 10-10 के नोट थे, वो वहीं रख गया था चप्पल। सर, छलांग लगाने के कारण का कुछ पता चला नहीं इसके बारे में? क्या उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया? जी, उसके बेटा आ गया था मौका पे, उसको पता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए चम्बा से सुभाष महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।